कार्यपालन यंत्री से लेकर उपयंत्री नहीं रहते मुख्यालय में, विकास कार्य ठप। सरपंच संघ ने जिला पंचायत सीओ को भेजा 7 सूत्रीय समस्या मूलक पत्र। वर्तमान समय पर जनपद पंचायत गौरिहार के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सहायक यंत्री सहित सभी उपयंत्री मुख्यालय से बाहर निवास करते हैं और कभी कभार ही कार्यालय आते हैं। ऐसे हालातों में कार्यों के लिए स्टीमित सहित तकनीकी स्वीकृति सहित समय पर मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। शनिवार को जनपद कार्यालय में सरपंच संघ के अध्यक्ष जेशरन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद लिखित तौर पर 7 सूत्रीय समस्याओं का पत्र जिला सीओ को व्हाट्सएप पर प्रस्तुत किया है। जिला सीओ ने मोबाइल पर बात करते हुए जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। जिन 7 सूत्रीय समस्याओं को लेकर सरपंचों ने पत्र भेजा है, उनमें उपयंत्रियों व सहायक यंत्री की मुख्यालय में सुनिश्चितता की जाए। एसबीएम प्रभारी सुयश सक्सेना द्वारा सरपंचों से अभद्रता की जाती है जिन पर कार्रवाई हो। जनपद पंचायत कार्यालय में सीईओ की पदस्थापना हो, जब तक नए सीईओ की पदस्थापना नहीं होती सप्ताह में 3 दिवस कार्यालय में उपस्थित रहकर समस्याओं का निराकरण किया जाए। अन्य जनपद पंचायतों की तरह यहां भी नवीन कार्य स्वीकृत हो, मासिक समीक्षा बैठक में सरपंचों को भी बुलाया जाए, पूर्व सरपंचों का शेष भुगतान शीघ्र कराया जाए व ग्राम पंचायत खेरा व दादूताल के सचिवों को हटाकर नए सचिव की पदस्थापना की जाए तथा ग्राम पंचायत चंद्रपुरा के रोजगार सहायक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य देवी दयाल अहिरवार ने भी सरपंचों की मांगों का समर्थन किया है। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। किन समस्याओं को लेकर आज व्हाट्सएप में पत्र भेजा गया आपके द्वारा, संघ के द्वारा? आज गौरिहार जनपद के सभी सरपंचों की कुछ समस्याओं के निराकरण हेतु एक बैठक हुई थी की गई थी। हमारी समस्याएं हैं, एक तो गौरिहार ब्लॉक सबसे पिछड़ा है और यहां पर कोई भी जनपद में कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते, जिससे हमें तकनीकी स्वीकृति या मूल्यांकन जैसे कार्य समय पर नहीं हो पाते और हम मजदूरों का समय से भुगतान नहीं कर पाते, जिससे जनता में आक्रोश पैदा होता है। और दूसरी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कई पंचायतों के सचिव हैं वो सरपंचों को परेशान करते हैं। यहाँ पर सचिव सीओ ना होने के कारण, क्योंकि यहाँ सीओ नहीं है तो कोई भी कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। इन 3-4 बिंदुओं की मांग को लेकर हमने एक सीओ मैडम को ज्ञापन दिया है जिला पंचायत में, उनसे फ़ोन में बात भी हुई थी, उन्होंने कहा अपनी समस्या भेजो, हम तत्काल निराकरण करते हैं। तो उनके अभी मोबाइल में अपन व्हाट्सएप में ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाएगा। कार्रवाई नहीं होने पर क्या आप लोग क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये हमारा दूसरा ज्ञापन है और हम अगले 3-4 दिन के बाद या 7 दिन अधिकतम हम समय देते हैं, इसके बाद हम लोग सब काम बंद करके पंचायत में ताला लगा देंगे और जनपद पंचायत में यहीं पंडाल लगाकर धरने में बैठ जाएंगे। जैसा कि आज सरपंचों ने बैठक कर और जिला पंचायत सीओ को व्हाट्सएप में अपनी समस्याएं प्रस्तुत की हैं, क्या कहेंगे आप जिला पंचायत सदस्य हैं? हम ये कहेंगे कि समस्या तो बहुत गंभीर है, क्योंकि जब से इस पंचवर्षीय में हमने नहीं देखा कि कोई काम करा रहे हैं, अधिकारी यहाँ परमानेंट रहते नहीं हैं, उतनी राशि भी नहीं आती है, इन लोगों को विशेष दिक्कत है। इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे सरपंच ही है नहीं है, गांव में कुछ काम नहीं हो रहे हैं, क्या करें बेचारे। अगर कोई काम भी कराते हैं तो पैसा नहीं आता है, समय से मूल्यांकन नहीं हो पाता, तो समस्या तो है।